आज जो हमारा टॉपिक है बीएससी फाइनल ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट और जो चल रही थी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, उनमें हमने आपको नामकरण है जो पहले वो समझाया था, उसके बाद में वर्गीकरण उसका बताया था, और उसके बाद में महत्वपूर्ण जो टॉपिक था आरएमजीएक्स ग्रिन्यार अभिकर्मक, जिसे कि आरएमजीएक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम भी एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के रूप में हमने बताया था, और इसके जो अवेलेबल कंपाउंड है मार्केट में या लैब में वो भी हमने बताए थे, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इस तरह से इसके अवेलेबल जो कंपाउंड्स थे। इसके बाद में हम आते हैं, आज महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका, इसको किस प्रकार से हम बनाते हैं, इसकी सिंथेसिस किस प्रकार से होती है, इसका निर्माण है जो किस प्रकार से होता है वो होता है, हम इसके निर्माण के लिए सबसे पहले लेते हैं एल्किल हैलाइड RX। यहाँ पे R है जो एक एल्किल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है और X है जो हैलाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसकी हम जब क्रिया मैग्नीशियम मेटल के साथ करवाते हैं, और यहाँ पे जो सॉल्वेंट होता है, विलायक होता है, वो होता है ईथर। जब एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है तो बनाता है आरएमजीएक्स। यहाँ पे जो ईथर है सॉल्वेंट के रूप में क्यों प्रयोग लिया था, क्योंकि जो आरएमजीएक्स जो बनता है कंपाउंड हमारे पास में, आरएमजीएक्स मतलब ग्रिन्यार अभिकर्मक जो बनता है, ग्रिन्यार अभिकर्मक का जो निर्माण होता है ईथर की उपस्थिति में, यह है अधिक ईथर है जो इसके साथ कोऑर्डिनेशन कर लेता है, और कोऑर्डिनेशन के द्वारा आरएमजीएक्स को अधिक स्टेबिलिटी प्रदान होती है, क्योंकि आरएमजीएक्स है स्वयं बहुत ही विस्फोटक पदार्थ होता है, जिसलिए इसकी विस्फोटकता को कम करने के लिए हम ईथर सॉल्वेंट के अंदर इसको डाले रखते हैं। इसके बाद में हम इसकी मैकेनिज्म है उस पर आते हैं कि आरएमजीएक्स है, ये तो हमने एक जनरल रिएक्शन लिख दी, इसका जो मैकेनिज्म है वो किस प्रकार से बनती है कि डायरेक्ट आरएलआई से मैग्नीशियम की जब क्रिया करवाई ईथर सॉल्वेंट की उपस्थिति में तो आरएमजीएक्स का निर्माण हो जाता है, वो किस प्रकार से होता है, अब इसते हैं हम इसकी मैकेनिज्म क्रियाविधि। इसकी क्रियाविधि है जो किस प्रकार से है, आपको पता है मैग्नीशियम है उसके 2s2 के अंदर है, इसके s ऑर्बिटल है भायतम उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर अपना जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको ग्रहण कर लेता है, अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको प्राप्त कर लेता है, ये 2 अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर तो और बन जाता है Mg+2, और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाते हैं। अब हम सेकंड जो स्टेप है उसके अंदर RLI है वो विषमांश बंध विखंडन के द्वारा, और जो हैलोजन है वो बंध के इलेक्ट्रॉनों को लेके चला जाता है, और R है जो पॉजिटिव के रूप में बदल जाता है, X है जो नेगेटिव के रूप में बदल जाता है। देखो इसकी किस प्रकार से होती है, सेकंड स्टेप में RX है ना, X यहाँ पर हैलाइड लेते हैं, ब्रोमाइड है, आयोडीन है या फिर क्लोरीन है, और ये है जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैलाइड की अधिक होने के कारण बंद के इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से दोनों को ही ले जाता है, और R यहाँ पे प्लस के रूप में, कैटायन के रूप में, और X है जो एनायन के रूप में यहाँ पे बदल जाता है, है ना। अब जो ये है R+ है, X- है, ये दोनों ही इसके साथ हैं जो क्रिया करेंगे, जो पहले RX है वो जो इसके द्वारा मैग्नीशियम के द्वारा जो डोनेट किए गए दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कर लेता है,
और वो जो थर्ड स्टेप के अंदर होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे देखिए R प्लस है, ये मैग्नीशियम के द्वारा जो डोनेट किए गए दो इलेक्ट्रॉन हैं उनको ग्रहण करता है और बदल जाता है R माइनस के रूप में। अब जो R माइनस है और X भी माइनस है, ये दोनों ही किससे क्रिया करते हैं, Mg प्लस 2 से, और Mg प्लस 2 से क्रिया करके और बना लेते हैं R Mg X। ये देखो कैसे होती है इसकी रिएक्शन, R माइनस प्लस में Mg प्लस 2, उसके बाद में जो X है वो भी माइनस है, और क्योंकि एक इसमें दो है, इसके पास में दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो एक तो इसके द्वारा पूर्ण होती है और एक इसके द्वारा, तो दोनों ही इसकी ऑक्सीडेशन पूर्ण हो जाती हैं और कंपाउंड बनता है वो होता है आर एम जी एक्स। ये देखो आर एम जी एक्स, ये आपकी जो है गिरिन्यार अभिकर्मक उसकी मैकेनिक क्रियाविधि है वो कंप्लीट होती है। कहीं किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी शायद, मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। जो R X है मतलब एल्किल हैलाइड है, मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है और उसमें सॉल्वेंट लेते हैं वो होता है ईथर, ड्राई ईथर, और बनता है आर एम जी एक्स, मतलब एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, है ना। अब इसकी जो क्रियाविधि है आपको पता है, मैग्नीशियम के जो एस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और वो दो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट कर कर जो स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास है, अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसको ग्रहण कर लेता है और बना देता है Mg प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है ना। अब ये दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, उसके बाद में आता है RLi मतलब एल्किल हैलाइड, है ना। एल्किल हैलाइड है जो बंद के इलेक्ट्रॉनों को जो हैलाइड है वो लेकर चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हैलाइड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो अधिक होती है बजाय कि एल्किल ग्रुप के। तो यहाँ पे R प्लस और X माइनस के रूप में बदल जाता है। अब ये जो R प्लस है वो मैग्नीशियम के द्वारा जो डोनेट किए गए दो इलेक्ट्रॉन हैं उनको ग्रहण कर लेता है और जो थर्ड स्टेप के अंदर होता है, जो R प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इसके ये बदल जाता है कार्ब एनायन के रूप में, है ना। अब कार्ब एनायन और जो नेगेटिव जो इसके ऊपर ऋणात्मक जो हैलाइड है वो दोनों ही मैग्नीशियम के साथ बंध बनाकर और निर्माण कर लेते हैं आर एम जी एक्स का। ये आपकी क्रियाविधि कंप्लीट होती है आर एम जी एक्स की निर्माण विधि। इसके बाद में हम आते हैं आर एम जी एक्स की इम्पोर्टेंट जो रिएक्शन है, ये क्या क्या रिएक्शन देता है कंपाउंड के साथ वो इसमें देखते हैं। आर एम जी एक्स है जो दो प्रकार की रिएक्शन देता है, एक तो देता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और एक देता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। आर एम जी एक्स कितनी प्रकार की रिएक्शन देता है, मेनली दो प्रकार के रिएक्शन है। पहला है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अभिक्रिया है ना। और दूसरी है वो है नाभिक स्नेही नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन स्थापन अभिक्रिया। हम इन्हें इंग्लिश में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
मतलब यहाँ पे जो कोई न्यूक्लियोफाइल आता है और उस पर ऐड हो जाता है, जबकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल आता है वह किसी ग्रुप को वहाँ से प्रतिस्थापित कर देता है, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट कर देता है किसी ग्रुप का। तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ पे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है वो किस प्रकार से आरएमजीएक्स की होती हैं। आरएमजीएक्स है जो ध्रुवीय पाई बॉन्ड है उसके साथ जो अभिक्रिया देता है, और वो किस प्रकार से देता है, जैसे कि यहाँ पे ध्रुवीय पाई बॉन्ड का हम उदाहरण लेते हैं कीटोन, और उसके बाद में जैसे आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे भी एक दो पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो जो ये पाई बॉन्ड है ये ध्रुवीय प्रकृति का है, क्योंकि जो कार्बन और ऑक्सीजन है उसकी दोनों में ही इलेक्ट्रोनेगेटिव में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता है, उसमें अंतर पाया जाता है, और इसलिए जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो वीक बॉन्ड होता है देन की सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड है वीक होता है, इसलिए जो सबसे पहले बॉन्ड टूटता है वो टूटता है पाई बॉन्ड, है ना। पाई बॉन्ड है जो टूटता है क्योंकि ये पोलर है पाई बॉन्ड। पोलरिटी क्यों आई है, दोनों की ही विद्युत ऋणता में अंतर के कारण। ऐसे यहाँ पर देखें हम तो नाइट्रोजन और कार्बन है, तो यहाँ पर भी पाई बॉन्ड में जो है पोलरिटी है। पोलरिटी क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है बजाय की कार्बन। आप जो पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो विद्युत ऋणता है आपको पता है बढ़ती है, और ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो कि घटती है। ये आपने पीरियोडिक टेबल का जब अध्ययन किया होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा, है ना। तो कार्बन इधर आता है और नाइट्रोजन उसके बाद में आता है, तो इसलिए जो नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है और कार्बन की विद्युत ऋणता अधिक कम होती है। तो ये जो पाई बॉन्ड है इस पर है आरएमजीएक्स है वो अटैक करेगा, और आरएमजीएक्स है मैंने आपको पहले भी समझाया था ये है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर प्लस टू होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव है तो एक तरह से न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की भांति कार्य करेगा तो ये किसी जो है न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है उस पर अटैक करेगा, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है, उसके हम उदाहरण लेकर हम समझते हैं। पहला है जैसे कि कीटोन लेते हैं, कीटोन है ना, कीटोन पर जब आरएमजीएक्स की अभिक्रिया होती है आरएमजीएक्स, यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम इस रिएक्टेंट को, और हम इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं आरएमजीएक्स। अब ये है आर है जो न्यूक्लियोफाइल की भांति व्यवहार करता है और न्यूक्लियोफाइल की भांति अटैक करता है, बंद ये बंद के इलेक्ट्रॉन पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट कर जाते हैं विषमांश बंद विखंडन के द्वारा, हेट्रोलाइटिक बंद विखंडन के द्वारा, और आर है जो इस कार्बन पर अटैक कर जाता है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज है जो इस पर अटैक करता है कार्बन पर और बना लेता है आपका ये ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम हैलाइड है जो जुड़ जाता है, नेगेटिव होता है इसके प्लस टू, इस पर नेगेटिव, और इधर जो है आर जुड़ जाता है। अब जो ये बना हुआ कंपाउंड है इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, और हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं मतलब जलीय अपघटन। जलीय अपघटन जब इसका करवाया जाता है, जलीय अपघटन
जब हम इसका करवाते हैं तो इस प्रकार से होता है जलीय अपघटन, H इधर और OH इधर, और ये इस प्रकार से टूटता है। MgX है उसके साथ OH जुड़ जाता है, और हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है, और आपका बनता है 3 डिग्री एल्कोहल। ये OH इधर, MgX इधर OH, ये बनता है आपका 3 डिग्री एल्कोहल। इस प्रकार से यह है जो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है, RMGX पहली जो रिएक्शन है कीटोन के साथ देता है, उसके बाद में दूसरी रिएक्शन है वो है RCN एल्काइल साइनाइड। RCN के साथ किस प्रकार से रिएक्शन देता है?